नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12वीं क्लास के छात्रों के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको इस वीडियो में ना मात्र 5 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है ना। और लास्ट में आपको सब्जेक्टिव भी दे दूंगा, ठीक है। चिंता मत करिए, वीडियो को लाइक करिए और हर महीने एग्जाम होगा यहाँ से आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब जाइएगा तो आप लोग देख सकते हैं एकदम खूब यही पेपर मिलेगा, ठीक है ना। 30 को होगा और उसमें से 25 को आंसर देना आपको, ठीक है ना। 30 को प्रश्न होगा, 25 को आपको उत्तर देना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका पहला का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सिंधु नदी, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है, तो दूसरा का बाबू आंसर हो जाएगा सी नंबर कालीबंगा, ठीक है ना। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो दोस्तों आपका 3 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। राखालदास बनर्जी ने, ठीक है ना, यानी कि आर के दास बनर्जी, आपका आंसर मिलेगा तीसरा का बी नंबर, ठीक है ना। अब जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है हड़प्पा, क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में विशाल नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका चौथा का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन 5 में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, दोस्तों लोहा, यानी कि जिसको आयरन बोलते हैं, और इसका संकेत एफ ही होता है और परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद है, तो प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 6 का आंसर ही मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, ये क्वेश्चन उपनिषदों की रचना कब हुई थी, तो 7 का आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, बोध गया का संबंध किस धर्म से है, दोस्तों बोध गया का संबंध किस धर्म से है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संलेखन किस धर्म से संबंधित है, तो आपका 9 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर आपका ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो आपका 11 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 11 ना, तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा सी नंबर, ठीक है ना, राजगिरी, ठीक है ना, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 12 नंबर, ये 12 नंबर क्वेश्चन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पर आपका 12 का आंसर मिलेगा, 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, महावीर। अगला क्वेश्चन प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, तो आपका 13 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है ना, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो आपका 14 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, सॉरी डी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, वर्धमान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध निम्न में से किस धर्म से है, तो आपका 15 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है सुतपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपका 16 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना, बौद्ध धर्म, ओके, 16 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट में आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो आपका 17 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर इंद्र। अगला क्वेश्चन है महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका 18 का आंसर मिलेगा, 18 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। अगला क्वेश्चन है किस शासक के समय जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था दोस्तों, तो आपका आंसर 19 का मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का समय में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर ना, तो 20 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 20 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार कहा जाता है, तो बाबू महावीर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर नहीं महावीर को नहीं, बुद्ध को कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हड़प्पा स्थल अलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से, दोस्तों आपका 21 का आंसर मिल जाएगा, 21 का आंध्र प्रदेश ना होगा, 21 का नहीं उत्तर प्रदेश होगा, 21 का आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो बाबू आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, 22 का आंसर मिलेगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता कितने सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था, तो आपका 23 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी 13 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था, तो आपका 24 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 1875 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मन के बनाने का मुख्य केंद्र कौन था, तो आपका 25 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ओके। अगला क्वेश्चन बौद्ध स्थल बोधगया कहाँ स्थित है, ये तो बिहार में स्थित है ना, तो आपका 26 का आंसर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर अमरावती क्वेश्चन अमरावती का
स्तूप किस राज्य में है, तो आपका 27 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा आंध्र प्रदेश। ओके अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है, तो बाबू आपका 28 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विश्वास करता है, तो आपका आंसर मिलेगा 29 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, जादू टोना और दैनिक अनुठानों का वर्णन किस वेद में है, तो आपका अथर्वेद में है, यानी कि आपका आंसर मिलेगा डी नंबर। ठीक है ना, और दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर मैं आपको लिख कर खोज कर मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो पूरा आंसर आपका सही है। ठीक है ना, तो इसका सब्जेक्टिव और ये पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर की क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए तो आपको एक लिंक मिलेगा, लिखा होगा हिस्ट्री 12th क्लास डाउनलोड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको लिखा होगा, उस पर आप लोग उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो अगर लिंक नहीं मिलेगा ना, तो काम करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कर लीजिएगा अपने मोबाइल में ना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है। ठीक है ना, तो मैं अपने मोबाइल में फाइनली क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर नहीं होगा तो गूगल तो जरूर होगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा amgbresult.com, आप लोग कॉलम पर लिख लीजिए, यही आप लोग सर्च करिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो amgbresult.com जैसे ही आप लिख कर सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है ना, अब इस पेज में थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना, बस थोड़ा सा आइएगा, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट, मिल रहा है ना लेटेस्ट अपडेट, तो उसी लेटेस्ट अपडेट के नीचे क्या लिख रहा है, इतिहास कक्षा 12वीं मासिक परीक्षा 2023 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही है आप लोगों का, देख सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं, अगर मतलब कि सारा अगर आपको चाहिए एक ही बार क्वेश्चन पेपर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर पेपर नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया, ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे देख सकते हैं वही क्वेश्चन पेपर है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, और उसका आंसर नीचे, आपका सब्जेक्टिव नीचे आंसर है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि आप लोगों को इसके बाद कौन सा विषय चाहिए, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए।